खबर गुजरात से, जहां पर गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कोहराम मचाया है। गुजरात के द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर जबरदस्त तरीके से प्रभावित, जहां पर बारिश हुई और उसके बाद जो हालात बने, ये देखिए गाड़ियां आपको पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। जूनागढ़ में लगातार 2 घंटे भारी बारिश के बाद आसपास की नदियों में बहाव तेज हो गया। गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट में एनडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों की हालत अगर आप देखेंगे तो आपको गाड़ियां डूबी हुई दिखाई देंगे, घरों के अंदर पानी घुस आया है, सड़कें किसी नदी से कम दिखाई नहीं दे रही हैं। और हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर अब मौजूद। 2 घंटे बारिश और उसके बाद जो हालात हुए वो देखिए, कई नदियां उफान पर हैं। राजकोट की ये तस्वीर जहां पर आपको बड़े बड़े वाहन भी बीच मझधार में फंसे दिखाई दे रहे हैं। पानी इतनी तेज गति से बह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी यहां से निकलती हो, लेकिन ये हालात बेहद खराब अभी गुजरात के कई हिस्सों में दिखाई देते हैं। पोरबंदर, राजकोट, द्वारका, भावनगर बेहद प्रभावित इस वक्त। बहुत ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद इंटेंसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बाद जो हालात बने हैं इन इलाकों में वो डरा रहे हैं इस वक्त। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद किसी भी तरह की अनहोनी से बचाने के लिए। जूनागढ़ की तस्वीरें भी लगभग वैसी ही, अगर आप इन पर नज़र डालें तो शहर शहर बारिश और बाढ़ के बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने। और जानकारी के साथ इस वक्त गोपी हमारे साथ मौजूद है। गोपी, अलग अलग जगहों की हम तस्वीर देख रहे हैं, चाहे जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर, हालात लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं, क्या भी स्थिति है ग्राउंड पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी कि यहाँ पे लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगर द्वारिका के खंभालिया की बात की जाए तो खंभालिया में करीब पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है, 19 इंच बारिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरीके से जो सारी गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से वहां पे डूब चुकी है, और जो पूरा इलाका है वहां पे अलर्ट अनाउंस कर दिया गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है, करीब 7 एनडीआरएफ की टीम को भी वहां पे डिप्लॉय किया गया है। साथ ही अगर भावनगर की बात की जाए तो भावनगर में जो पॉट आया हुआ है, पॉट पे समुद्र के अंदर जिस तरीके का करंट फिलहाल देखने मिल रहा है, ये माना जा रहा है वहाँ पे 3 नंबर का वार्निंग इश्यू कर दिया गया है। मछुआरों को ये कहा गया है कि वो समुद्र के अंदर ना जाए, चाहे द्वारिका हो, चाहे पोरबंदर हो, चाहे भावनगर हो, हर जगह पे गुजरात में बारिश हो रही है। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो आज सुबह से यहाँ पे बारिश जारी है, और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए पूरे गुजरात के लिए ये वार्निंग को इश्यू किया है। मीनाक्षी, बिल्कुल, जिस बात की जानकारी देखिए गोपी दे रही है, अगले 3 दिन गुजरात पर भारी पड़ने वाले हैं। और जिन हिस्सों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये शहर के अंदर के हालात हैं। जहां पर सड़कें हैं वहां इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मानो नदी या समंदर बन गया हो। और देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको पानी में डूबी हुई पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई देंगी, जूनागढ़, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट। गोपी, हालांकि अगले 3 दिन तो मुश्किल रहने वाले हैं गुजरात के लिए, लेकिन इस बीच किसी तरह का इवैक्यूएशन, क्योंकि जिन इलाकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही जो जानकारी है वो भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उसके जरिए ली जा रही है। जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं या जो लोग कहीं ना कहीं पानी की वजह से लोलाइन इलाके में रह रहे हैं, तो उन लोगों को फिलहाल इवैक्यूएट करवाना शुरू करवा दिया गया है, क्योंकि जो खंभालिया है, द्वारिका का इलाका है, वहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सभी लोगों को फिलहाल अलर्ट के लिए कहा गया है। लेकिन जहाँ पे अचानक, क्योंकि कल हमने देखा कि जिस तरीके से जो खंभालिया है, खंभालिया में 2 घंटे के अंदर 12 इंच बारिश हो गई, तो अचानक बादल फटा, इस तरीके का वहाँ के लोगों का कहना है। और बारिश इतनी ज्यादा है, अब लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाने का काम जो है वो एनडीआरएफ की टीम कर रही है। शुक्रिया गोपी आपका इस जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।